से आपको नहीं देगा, है ना। चलिए देखें, मौने गंधर्वों के विरुद्ध नाग शासक कारकोट की सहायता किसने की थी? भैया एक नाग शासक थे, देखिएगा जरा, देखिएगा फटाक से इसके बारे में। एक नाग शासक थे जो कि कहां रूल करते थे? नर्मदा नदी के आसपास के रीजन में रूल करते थे, ठीक है। नाग शासक थे, इनका नाम क्या था? कारकोट, कारकोट वंश के थे, कारकोट थे, राजा कारकोट। इन पर मौने के गंधर्व, गंधर्व क्या कर रहे थे? आक्रमण करने वाले थे, आक्रमण की पूरी तैयारी थी। गंधर्व वैसे ही थे जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा ना, कालिके, कालिके की तरह थे ये गंधर्व। ये आक्रमण करते कारकोट राज्य पर, ठीक है, राजा कारकोट के राज्य पर, तो नागवंश एकदम समाप्त हो जाता। तो यहां पर हम देखते हैं वाराणसी, वाराणसी जो अभी वर्तमान का बनारस है, वाराणसी है, यहां वाराणसी पर रूल कौन कर रहे थे? यहां पर रूल कर रहे थे कौन? इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता, मानधाता का रूल था। मानधाता से मदद मांगते हैं कारकोट, प्रभु मदद करिए, नागवंश यहां रूल कर रहा है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के आसपास। रेवा, इस समय रेवा नाम था, ध्यान रखिएगा, नर्मदा का नाम नर्मदा ना होकर क्या था? रेवा था। और ध्यान रखें, तो जब कारकोट मदद मांगते हैं इक्ष्वाकु के, वाराणसी के इक्ष्वाकु वंश के शासक मानधाता से, तो मानधाता के पुत्र थे पुरुकुत्स, ध्यान दीजिएगा, पुरुकुत्स क्या थे? मानधाता के पुत्र थे। तो मानधाता क्या करते हैं? खुद थोड़ी आएंगे, राजा बोलेंगे अरे इसके लिए तो मेरा पुत्र ही काफी है, तो पुत्र को भेजते हैं। पुत्र पुरुकुत्स आते हैं, गंधर्वों से युद्ध लड़ते हैं, गंधर्वों को पराजित कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। नागवंश के शासक कारकोट बड़े खुश होंगे पुरुकुत्स से। नागवंश के राजा कारकोट की पुत्री थी, पुत्री का नाम था क्या? नर्मदा। पुत्री का नाम था क्या? नर्मदा। और ये कारकोट वंश के, नागवंश के कारकोट शासक पुरुकुत्स से नर्मदा का क्या कर देंगे? विवाह। तो ध्यान रखना, नर्मदा का विवाह किससे हुआ था? पुरुकुत्स। लेकिन ये मां नर्मदा वाली रेवा नदी नहीं है, नदी वाली नर्मदा नहीं है, नागवंश की कन्या है, नागवंशी कन्या। नर्मदा का विवाह किससे हुआ था? तो पुरुकुत्स से हुआ था, जो किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जब इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स, या जो हम देखे युवराज, पुरुकुत्स से विवाह हो गया किसका? नर्मदा का। अब कारकोट वंशी शासक, नागवंशी शासक का रूल नर्मदा नदी के आसपास था, रेवा नदी के आसपास, तो पुरुकुत्स क्या करेंगे? इस रेवा का नाम क्या कर देंगे? अपनी रानी नर्मदा के नाम पर नर्मदा बदल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार रेवा नदी का नाम क्या पड़ जाता है? नर्मदा पड़ जाता है, एक बात। दूसरी बात देखो, आगे चल के इसी इक्ष्वाकु वंश का एक शासन होगा। अब देखो, जब से इक्ष्वाकु वंश ने मदद की नागवंशों की, तो उनका हस्तक्षेप मध्य प्रदेश के रीजन में बढ़ गया, और आगे चल के जब शासक कौन होगा? मुचकुंद होगा। तो ये मुचकुंद कहां पर? तो ध्यान रखना, एक नगरी की स्थापना करेगा। कई बार ये बताया, और ये प्रश्न एमपीपीएससी ने सीधे सीधे पूछा, मुचकुंद ने एक नगरी की स्थापना की मानधाता। ये मानधाता जो नगरी है, ये मानधाता नगरी, ये राजा मानधाता के नाम पर ही स्थापित की थी। किसने की थी? मुचकुंद ने की थी, रिक्ष और पर्यात पर्वतों के बीच में, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर मुख्य रूप से मानधाता नगरी को बसाया था, जिसे वर्तमान में आप ओमकारेश्वर के नाम से जानते हो। यही प्रश्न इस बार एमपीपीएससी ने पूछा भी, तो ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम देखें तो नर्मदा नदी पर आगे जब आप खरगोन जाओगे तो महेश्वर मिलेगा, और इस महेश्वर की स्थापना है वंश के महिषमंत ने की थी, ठीक है। कौन थे? है वंश के एक शासक थे जिनका नाम था महिषमंत। महिषमंत ने किसकी स्थापना की थी? तो महिषमंत ने महेश्वर की नगरी की स्थापना की थी, कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर। ये है वंश के थे, कौन? महिषमंत, ठीक है। और इसी है वंश में एक शासक हुआ था कीर्तवीर अर्जुन, जिसे सहस्त्र अर्जुन भी कहा गया, और ये वही सहस्त्र अर्जुन है जिसने रावण को क्या कर लिया था? बंदी बनाकर रखा था, इस रावण को बंदी बनाकर रखा था, और ये वही सहस्त्र अर्जुन है जिसने मां नर्मदा को रोकने का प्रयास किया था, जिससे वजह से सहस्त्र धारा जलप्रपात कहां बना है? सहस्रधारा जलप्रपात, ये कहां पर बना हुआ है भाई? सहस्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है। महेश्वर कहां आता है? खरगोन में आता है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी, ये पूरी जानकारी आप ध्यान रखेंगे, खरगोन, खरगोन, जब पूरी जानकारी आप रखते हो तो प्रश्न कुछ भी बने आपको आंसर बन जाएगा। सहस्रार्जुन ने मार किस शासक ने मां नर्मदा को रोकने का प्रयास किया था? तो सहस्रार्जुन ने रोकने का प्रयास किया था। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ रहा है भाई? इस प्रश्न का सही आंसर आ रहा है